दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में चार युगों का जिक्र किया गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को श्रापित यानी कि सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वही कलयुग ही है, और ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर हो जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी ही होगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। दोस्तों, कौआ मोती खाएगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय महाकाल जरूर लिख दें। सबसे पहले बात करते हैं सतयुग की। सतयुग यानी सत्य का युग। सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्राचीनतम रूप से धर्म के चार स्तंभ थे, तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के चार पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा शून्य होती थी, यानी पाप क्या होता है सतयुग के लोगों को ये पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सब के सब पुण्य आत्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले, यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान भी दे दिया। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय के ही थे। दूसरे नंबर पर है त्रेता युग, जिसे रजत युग भी कहते हैं। सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को रजत युग या फिर बहुत से लोग सिल्वर एज भी कहते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ तीन स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि, दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तप इस युग में अंत के घाट तक पहुंच गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष की थी। त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र आदि वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या का भाव भी घर कर चुका था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए, वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। बाली जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वहीं रावण जैसा राक्षस भी था जिसने सीता माता का अपहरण किया, लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग सनातन धर्म का तीसरा युग है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ इस युग के अंत तक खत्म हो गया था, और वो स्तंभ था शुद्धि। इसीलिए इस युग में धर्म के केवल दो ही स्तंभ बचे थे, और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ, और आयु घटकर 1,000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी 50% और पुण्य की मात्रा भी घटकर 50% हो गई थी, यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। हालांकि द्वापर युग के ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें एक स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया था।
अधर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी संपूर्ण मानव जाति को धर्म के महत्व से परिचित कराने के लिए दिया था। अब बात करते हैं कलयुग की। सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। पुराणों में कलयुग की काल अवधि 432,000 साल बताई गई है। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं यही कलयुग है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 427,000 साल बचे हुए हैं। इस कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा हुआ है, जो कि इस युग के अंत में समाप्त हो जाएगा। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य की मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य यानी कि जीरो हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फुट 5 इंच बताई गई है, यानी लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा स्त्रियां सिर्फ उसी से विवाह करेंगी और सिर्फ उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। जो दहेज दे पाएगा बस उसके घर की बेटियों का ही विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास खिचड़िया का नाम है, लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। सिर्फ धनवान व्यक्ति ही विद्वान और धर्मात्मा कहलाएगा और सिर्फ ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे, फिर चाहे वो कितने ही मूर्ख ही क्यों ना हो। वर्तमान समय में जिस तरह से धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है, जिस तरह से परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में लोग जहां बाढ़ से तबाह हो रहे होंगे, वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएंगी। और जैसा कि आप और हम देख ही रहे हैं, इस युग में पद्मा और सरस्वती नाम की नदियां लोप पहले ही हो चुकी हैं। अब सिर्फ गंगा बची है, ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी, जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसकर अपने प्राण त्यागेंगे। उस समय धरती पर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों की हृदय से दया भाव समाप्त हो चुका होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा और धरती पर दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त ये एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का नाश करेंगे। उनके एक हाथ में तलवार होगी तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि पापियों का संहार करके वैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा।
जीवन समाप्त हो जाएगा तब एक बार फिर से नए नए युग की शुरुआत होगी जो कि सतयुग होगा। दोस्तों ये थी कलयुग की असली कहानी। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर।